मैं कौन हूँ? शायद कोई नहीं जानता मुझे। मैं वो हूँ जिसकी समाज में कोई पहचान नहीं है। दो दीवारों के बीच मैं फंसी एक उम्मीद हूँ मैं। ना औरत हूँ ना मर्द हूँ मैं। क्या है मेरा अस्तित्व? बस इस भीड़ में ढूंढ रही हूँ मैं अपनी पहचान। कब आएगा वो वक्त जब मिलेगा मुझे मेरा हक? आज फिर बताना चाहती हूँ मैं अपने दिल के अल्फाज। शायद ये दुख तकलीफ़ देखकर कोई उठाएगा मेरे जैसों के लिए आवाज़। खुशी में हमें दुआ देने के लिए बुलाया जाता है, फिर क्यों समाज हमें ठुकराता है? क्यों हमारे साथ उठने बैठने पर तिरस्कार किया जाता है? तो गौर से सुनो तुम सब मेरे संघर्ष की कहानी। शायद इस कठोर समाज में मुझे मेरा हक मिल सके। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? परिवार के बारे में क्या पता है? हम 10th तक पढ़ लिए, 10th क्लास पढ़ लिए, फिर बाद में परिवार से अलग हो गए। माँ बाप भाई बहन के बारे में? माँ बाप, माँ नहीं बाप नहीं, अभी दोनों खत्म हो गए। अच्छा। भाई बहन है वो लोग, मुझसे अपना रिश्ता टूट गए। अच्छा। बात नहीं करते मुझे। हमारे लोगों में हम बहन है, हमारे लोगों में रिश्ता है। अच्छा। जैसा हम लोगों में ना किन्नर, वही गुरु भाई, वही माँ है, वही बहन है, हमारे लोगों में रिश्ता है। फिर ज़्यादा परिवार से हम मुलाकात नहीं रखते। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। बचपन में मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ। मुझे औरों ने ही बताया मैं औरों से अलग हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे तो, मैं तो छोटा सा बच्चा थी ना उस टाइम पर, मुझे कोई कैसे बताएगा कि मैं, मुझे तो खुद को नहीं पता था। मुझे औरों ने बताया कि मैं औरों से अलग हूँ। मैंने पूछा कैसे, फ्रेंड्स वगैरह ने बताया, रिश्तेदारों ने बताया, घर वालों ने भी बहुत बोला कि अब हाँ औरों से अलग हूँ, आपके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, एक लड़का थोड़ी ना से करता है। यही सब, बस बचपन की यही सब चीज़ें थी। There were time when I used to go for a grocery with my mother. मैं अपने माँ के साथ सब्जी मंडी खरीदने जा रही हूँ करके, तो पीछे से लोग पत्थर मारते थे। They used to say good mamu chakka all the time, because anyways whenever you have a effeminate boys who are growing up, the other boys take an advantage of discriminating them or bullying them all the time, because they feel that these people are not belong to us, so let's make sure that these people's life become more harassment subject. But the boys who are bullying these other people do not understand what that child must be going through, a trauma. And so I have gone through that, so I exactly know how my mother used to come back at home and she used to cry saying that is what do I do with this child, you know, ki mera bachcha jo hai wo is umar se guzar raha hai karke, jahan pe log use samajh hi nahi pa rahe ki uske sath kya problem ho raha hai, ye mera bachcha aur main isko kaise disown kar do, where do I throw this child, what do I do with this child, and the larger society was not ready to accept me what it is. I was extremely scared to go out and play with other boys. Because fact remains is that whenever I used to go there, they used to, you know, make out mockery out of me. मेरा एक मजाक उड़ाया जाता था, मुझे वो spaces पे welcome नहीं था। Girl के साथ जब खेलने जाना है करके, तो उनके parents objection लेते थे कि अरे ये हमारे बच्चियों को बिगाड़ रहे हैं, इनके साथ क्यों ऐसे ऐसे लड़के को क्यों भेज रहे हैं करके, कि जो एकदम लड़कियों की तरफ बिहेव करता है। आपका हरेसमेंट उतने लेवल पे बढ़ जाता है स्कूलिंग डेज पे, कि जिसकी वजह से स्कूलिंग आपका कई बार छूट जाता है। मेरी जिंदगी में भी वो एक वाक्य आया कि मुझे याद है कि एक लड़का जब सीनियर 10th में पढ़ता था और हम लोग उस टाइम पे 9th में थे, और अपेरेंटली उसको मेरी फ्रेंड में इंटरेस्ट था और हमने कुछ सपोर्ट नहीं किया वगैरह, उसके वजह से आई रिमेम्बर कि उन्होंने गैंग अप करके मुझे अबडक किया था। अबडक करके एक हमारी लाइब्रेरी थी जहाँ पे वो लेके गए और उन्होंने मुझे मारा। 10 लड़कों ने मिलके मेरे कपड़े फाड़े, मुझे शेम किया। सो इट वॉज अ हेट क्राइम, इट वॉज नॉट अ हेट क्राइम डन समथिंग टू गेट अ सेक्शुअल प्लेजर आउट ऑफ मी, बट इट वॉज अ हेट क्राइम जब मुझे पूरे कपड़े फाड़ के नंगा करके भेजा गया वहाँ से, और मेरे बदन पे एक कपड़ा नहीं था और मुझे मारा गया था बहुत बुरी तरीके से, मेरे बाल काटे गए थे और इस तरह का इंसिडेंट करके। नेक्स्ट टाइम जब मैं दूसरे दिन अपने
तो मैं अपनी माँ को तो बता नहीं सकती थी क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं दूसरे दिन अपने टीचर को मिलने गई थी और मेरे टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम बोल दिया था कि करके प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ है, उन लड़कों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो तुमको सुधार रहे, तुम इस तरह से बिहेव करते हो अपने इसमें, तुमको एक लड़की की तरह बिहेव करना चाहिए, तुम लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो करके, इस वजह से तुमको ठीक करने के लिए लड़कों ने इस तरीके से तुम्हारे साथ किया है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे जैसे और कई सारे हजारों लोग रहते रहेंगे एट दैट एज। जब आप एक 13 साल के हो, 12 साल के हो, तब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा आपके साथ। कई सारे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे उनके खुद के मामा है या उनके खुद के फैमिली मेम्बर के है जिन्होंने उनके ऊपर रेप किया हुआ है, और ऐसे वक्त ऐसे चिल्ड्रंस के साथ जो जो इस तरीके से दौर से गुजर रहे करके, और ये सच्चाई है जिंदगी की जिसके साथ हम गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा खुशी आपको कब, और मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको याद हो कि आप बहुत खुश हुए हो, ऐसा कुछ हुआ हो? खुशी बोलते मैं खुशी क्या मैडम जी, अभी देखो मैडम जी खुशी मतलब है हमारा कोई शादीशुदा नहीं, कोई बच्चा नहीं होते, एक बात है फैमिली वाले को शादी होता, बच्चा हो गए तो खुशी है, शादी हो गए तो खुशी है, हमारी खुशी में खुश रहते हैं। आप जो दिए तो उसी में हम खुशी रहते मैडम जी। हमारा कहीं तो कोई शादीशुदा नहीं होते, शादी हो गए तो खुशी है, बच्चा हो गए तो खुशी है, हमारा को खुशी सब में। दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी या कोई मुश्किल ऐसा लाइफ में? कोई लाइफ में मुश्किल बोले तो मैडम जी रहते आगे आगे किस तरह का मुश्किल फेस करना पड़ता है फिर आगे जिंदगी क्या है क्या है वो सोचते। अच्छा, किस तरह आगे जिंदगी मतलब क्या क्या सोचते हैं आप? क्या तबीयत पानी कैसा होते, क्या बड़ा बड़ा लोग देखते हैं फिर अपना को क्या होता आगे बोल के वो दुखी हो। मेरी लाइफ में खुशी का मोमेंट मेरी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, और दूसरा जब मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहती हूँ, एक हम अपने दिल की जो कहते हैं ना दिल का दुखड़ा हम सुना सकते हैं, उनको हम अपने बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी क्लास के कुछ सारे फ्रेंड्स नहीं बिकॉज वो तो बॉयज़ है ना, तो कुछ जो मेरी तरह ही हैं, मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ जब मैं रहती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ही तब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा, फिर ये समाज कैसे बदल पाएगा? फिर तो वो हमें एक गंदे नज़रिए से देखेगा ना, वो तो हमें फिर एक मजाक के तौर पर ही हम साबित होंगे। लोग आपको किस नज़रिए से देखे, किस नजर से देखे बोले तो कोई कोई रास्ता में गए तो राम राम बोलते, राम 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 बोलते मैडम जी, कोई अच्छा प्यार से बोलते, कोई अच्छा किसी किसी गुस्सा आ जाते, किसी किसी गुस्सा आ जाते वो लोग नफरत रहते, हमारे से कोई राम राम करे तो हम राम राम करते। अच्छी दुनिया है मैडम जी, अच्छा वाला भी रहते, कोई टप्पर लोगों में रहते, कोई गुंडागर्दी करने वाले भी रहते, हम रास्ता में गए तो अच्छा भी देखते बुरा भी देखते मैडम जी। जैसे एक लड़की जाती मैडम जी रास्ता पे, कोई लड़के को रेस्पेक्ट देने वाले भी रहते, कोई लड़के की चिड़चिड़ाने वाले भी रहते मैडम जी। हमारे भी ऐसे मैडम जी, कोई प्यार से देखने वाला रहते, कोई दुश्मन से बात करने वाले भी रहते, कोई इसमें मिल जाओ बोल के बोलते नहीं, कोई कोई बोलते जबरदस्ती किन्नर पकड़ के ले जाते, वो ये बोलते कोई पकड़ के नहीं ले जाते मैडम जी। हमारा दिमाग में क्या है, हमारा माइंडसेट में क्या है वो ही होता। कोई कोई लोग हम पूछते किन्नर से लोग हम पकड़ के ले जाते बोल के बोलते, कहीं को ले जाते मैडम जी, कोई नहीं ले जाते, अपना माइंडसेट क्या है वो माइंडसेट के हिसाब से हम लोग चले। स्कूल में हम लोग काम कर रहे, एक ट्रांसजेंडर बच्चा है उसके साथ हम काम कर रहे थे, और बाकी पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेने लगे कि ये बच्चा यहाँ पे क्यों पढ़ रहा है करके। अरे वो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, वो बढ़ेगा नहीं तो कल भीख मांगेगा रास्ते पे, एजुकेशन नहीं लेगा तो वो और क्या करेगा। आपको सपोर्ट करना, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे बच्चों को बोल रहे कि स्कूल से निकाल दो करके, आपको सपोर्ट करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती ट्रांसजेंडर किड के लिए। मुझे याद है कि जब मुझे वॉशरूम जाना होता था तब मैं सेशन शुरू होने के बाद वॉशरूम जाती थी, रिसेस में नहीं वॉशरूम जाती थी,
So I used to keep holding my pee till the time the lecture starts, and then I can go and pee in a washroom where nobody is there at that point of time. And this is a classical problem of all the transgender kids that are there growing up at this point of time. Education institution does not have that kind of facility, and it's a bigger problem. Educational institutions does not have a grievance cell where these kids can go and report if there is any violence.